गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास थ्री सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज टू बी को देखेंगे। कल हम लोगों ने टू ए में जो प्रॉब्लम था उसको डील किया था, ठीक है। आज हम लोग टू बी को देखेंगे। सबसे पहले सभी बच्चे अपना अपना बुक निकाल लीजिए, पेज एक्सरसाइज निकालिएगा टू बी पेज नंबर 19। अपना अपना बुक निकाल लीजिए सभी और हाथों में पेंसिल ले लीजिए, ले लिए। चलिए हम एक ए में समझा देंगे, टू बी में ए और बी है तो हम ए को एक समझ एक दो समझा देंगे और फिर बी वाले को समझा देंगे। आप लोग को खुद बन जाएगा, यानी कि आप लोग खुद समय में बना लीजिएगा इसको, ठीक है। निकालिए आप लोग। चलिए पहला देख रहे होंगे आप लोग, ए में आप लोग का है क्या, ऐड द फ्लो वे, यानी कि ऐड करना है इसको। पहला भी देखिएगा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 1000, 100, 10, 1s यहाँ है। फिर ऊपर भी देखिएगा बच्चों, एक बॉक्स बनाया हुआ है ऐसे, केवल 10 तक ही बॉक्स बना हुआ है, 1 में बॉक्स नहीं बना हुआ है। इसलिए ध्यान से बच्चों, जो बच्चे कॉपी में बनाते हैं खास करके हुए, आप लोग के बुक से क्वेश्चन, अच्छा बुक वाला ही दे देते हैं बिल्कुल, यहाँ बुक हम से बुक से अलग ले लिए थे, पूरा बुक वाला ही ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बुक वाला आप लोग का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देख रहे हैं आप लोग कैसे लिखना है, ठीक है। 1 के सामने 1, 10 के सामने 10, 100 के सामने 100, 1000 के सामने 1000 लिख दिए। अब इसको ऐड करेंगे, 448, ठीक है। अच्छा 415, यहाँ ऐड कीजिए 8 का 8, और 7 और 5, 7 और 8, 15, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, पहला फर्स्ट प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। इसमें क्योंकि कुछ बचा नहीं, कुछ बचेगा 1, 2, तब आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर टू भी एक बार डील करके देख लेते हैं, आप लोग इसे अपने अपने बुक में फिलअप कर लें। बच्चे साफ साफ लिखिएगा, भरने समय एकदम बिल्कुल साफ और सामने सामने, डिजिट के बिल्कुल सामने सामने लिखिएगा ताकि स्पष्ट पता चले, ठीक है। ये नहीं कि पूरा एक ही में मिला दीजिएगा तो गंदा लगेगा राइटिंग भी। चलिए अगला है 1000, 100, 10 और 1। आप लोग का पहले ऐसे बॉक्स बना हुआ है ना, पहले बॉक्स बना देते हैं, ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स देख रहे होंगे 10 तक ही बनता है, 100 में 1 में नहीं बन रहा है ना, यानी कि 10, 100, 1000 में। तो 8 और 7 है, उसके बाद है 6 और 5 है, इधर 4 है और 3 है, उसके बाद है 6 और 7, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, अब इसको ऐड करने के लिए देखिए, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, 7 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 13, कितना आएगा, 13 आएगा ना, 7, 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 कैसे लिखाता है बच्चों, ऐसे है ना, 13 का जो राइट साइड में होता है उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है और जो बचा हुआ है इसको इसके ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे जो बॉक्स बनाए है ना ठीक उसके बगल में लिख देंगे। अब देखिए उसमें कितनी संख्या हो गए, 3 हो गए ना, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 4, 3, 7, 7, 1, 8। क्या बच्चों कोई संख्या बचा है इसमें, 8 तो खुद सिंगल है ना, जब 10, जब 10 से ऊपर होता है या 10 होता है तब डबल टू डिजिट यूज होने लगता है, 9 तक तो सिंगल ही डिजिट रहता है ना, तो अभी तो 8 ही आया है। चलिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है, 11। देखिए यहाँ क्या है बच्चों, 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और 1 1 जो बच गया हमारा वो इस पे लिखा जाएगा, उसके बगल वाले पे। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 8 और 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15, 15 और 1, 16 है ना, समझ में आ रहा है। चलिए इन दोनों को आप लोग अपने अपने बुक में भर लीजिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का, उसके बाद आप लोग खुद से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, सबसे पहले आप लोग के पास बुक है ना, आप लोग खुद पहले बनाइए,
आप लोग बना रहे होंगे। चलिए हमने भी क्वेश्चन को नोट कर लिया है, अब इसको हम लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे। एक और क्वेश्चन मिला लीजिए बच्चों, 4, 8, 8, 6, 4, 8, 5, 6, 8, 6 और 6, 4। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, और 6 और 4 को जोड़ते कितना आ रहा है बच्चों, 10। 10 का क्या हो जाएगा, 0, बचा कितना, 1। 1 कहाँ लिखा है बच्चों, यहाँ पे, है ना। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 8 और 6, 14, और 14, 1, 15, 15 का 5, बचा कितना बच्चों, 1। ये 1 कहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ 15 कैसे लिखाता है, ऐसे ना, तो 15 का 5 लिखाया, और ये जो 1 बच गया वो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। चलिए अब इन सभी को ऐड कीजिए, तो आ जाएगा 6 और 5, 11, 11, 1, 12, 12 का 2, 12 ऐसे लिखाता है, 12 का क्या लिखे, 2, राइट साइड वाला लिखा जाता है, जो लेफ्ट साइड वाला है वो ये दूसरे के, दूसरे वाला जो है नंबर होता है उसके बॉक्स में लिखेंगे, इसमें लिख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, तो 8 और 4, 12, 12, 1, 13, इतना आया था आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग को इसी तरह से आप लोग को क्या कर लेना है, इसको बना लेना है, ओके बच्चों। चलिए अब हम बी में देखते हैं, बी में क्या करना है, बी में देखिएगा बच्चों, तो कह रहा है अरेंज द गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू द टू दियर प्लेस वैल्यू एंड ऐड, यानी कि प्लेस वैल्यू की तरह इसको लिखना है डिजिट को, और उसके बाद क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी कि जो जिस प्लेस वैल्यू के स्थान पे वहीं पर लिखना है, और उसके बाद ऐड कर देना है, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग बना रहे थे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के बुक का, बी में है, बी का है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा 8031 + 8962 + 492। कल भी लगता है ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कुछ कुछ डील कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग कहाँ से चलते हैं बच्चों, 1, 10, 100, 1000, ठीक है। बॉक्स भी बनाने के लिए बोला गया है ना, बॉक्स भी हम लोग को बना लेना है, जैसे बुक में पहले बनाया गया है, तो बॉक्स भी बना लेंगे। बॉक्स किसका किसका बनता है बच्चों, तो 10 का 10 में बचेगा, तो 100 में और 1000 में, ठीक है। अब देखिए लिखना स्टार्ट करेंगे, 1, 10, 100, ये 100 तक है, 1 के स्थान पे कितना बच्चों, 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे 1 के स्थान पे, 1, 10, 10 के स्थान पे कितना बच्चों, 9, तो 9 लिखेंगे, 1, 10, 100, 100 के स्थान पे कितना है, 4। उस तरह से 1, 1 के स्थान पे कितना है, 2, 10 के स्थान पे कितना है बच्चों, 6, 100 के स्थान पे कितना है, 9, और 1000 के स्थान पे कितना है, 8। इसका 1000 नहीं था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इससे लिखेंगे, तो 1 के स्थान पे कितना है बच्चों, 1, 10 के स्थान पे कितना है, 3, 100 के स्थान पे कितना है बच्चों, 0, और 1000 के स्थान पे कितना है, 8। अब क्या करेंगे, इन सभी को हम ऐड कर देंगे, है ना, इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, 1, 10, 100, है ना, इसी तरह से 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000, 1 को 1 के स्थान पर, 10 को 10 के स्थान पे, 100 वाले डिजिट को 100 के स्थान पे, और 1000 वाले डिजिट को 1000 के स्थान पे। अब इसको क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, 2, 2, 4, 4, 1, 5, इसको इसे ऐड करेंगे, 9, 6, 15, 15 और 3, 18, 18 कैसे लिखा था बच्चों, ऐसे 18 का क्या हो जाएगा, 8, बचा कितना, 1, 1 कहाँ है हो जाएगा, यहाँ 1। अब इसको ऐड करेंगे, 9 और 4, 13, 13, 1, 9, 4, 13, 13, 1, 14, 14 और 4 बचा कितना, 1, 1 फिर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8, 8, 16, 16, 1, 17। कुछ इसी तरह से आप लोग को इसको बनाना है बच्चों, ठीक है, इस तरह से आप लोग को करके पूरा सजा कर ही बनाना है, ठीक है। बी वाले जो बी जो भी डील करेंगे क्वेश्चन को, ए वाले को तो बुक में डील कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन बी वाले को जो भी डील करेंगे वो सारे बच्चे कॉपी में ही डील करेंगे, बुक में डील नहीं करना है, ठीक है। सभी को क्या चीज में डील करना है, कॉपी में डील करना है,
आप लोग बी वाले को कॉपी में ही बनाइएगा और ढंग से साफ साफ लिखिएगा। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। 5121 प्लस 4931 प्लस 7232, ठीक है। अरे जी और बच्चों, ये नहीं कि यहीं पर डायरेक्ट आंसर भर दिए, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना आप लोग का बुक में, तो ये नहीं कि यहीं पर आंसर डाल दीजिएगा तो हम वैसे आप लोग का गलत कर देंगे, वैसे नहीं बनाना है आप लोग को, पूरा इस तरह से करके ही आप लोग को डील करना है। चलिए एक तरफ लिख देते हैं क्या है, 1000 1000 10 और वंस। वन के स्थान पे कितना है बच्चों, टू इसमें ले रहे हैं। 10 के स्थान पे कितना है, थ्री। पहले बॉक्स नहीं बनाए, बॉक्स बना लेते हैं ना, बॉक्स ही बनाना जरूरी है ना, बॉक्स बना लिए। चलिए और वन के स्थान पे कितना है बच्चों, टू। 10 के स्थान पे थ्री और 100 के स्थान पे टू और 1000 के स्थान पे सेवन। चलिए इसमें बताइए बच्चों, वन के स्थान पे कितना है, वन ही है। 10 के स्थान पे थ्री, 100 के स्थान पे नाइन और 1000 के स्थान पे फोर, ठीक है। वन के स्थान पे कितना है, वन। 10 के स्थान पे थ्री, 100 के स्थान पे नाइन, 1000 के स्थान पे फोर। इसमें बताइए बच्चों, वन के स्थान पे कितना है, वन। 10 के स्थान पे कितना है, टू और 100 के स्थान पे कितना है, वन और 1000 के स्थान पे फाइव। अब इन सभी को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, है ना, इन सभी को ऐड कर देंगे। वन के स्थान पे वन था, 10 के स्थान पे 10 को रखे हैं, 100 के स्थान पे 100 को, 1000 के स्थान पे 1000 को, ऐड कीजिए इसको। यहाँ पर कितना आ जाएगा, फोर, इसको ऐड कीजिए, 3 3 6 6 6 और 2 8, अच्छा 9 2 11 11 1 12, 12 का 12 कैसे लिखते हैं बच्चों, इस तरह से। तो 12 का 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, 1 कहाँ लिखा जाएगा, ये नहीं किसी में 1 भर दीजिएगा, जिसको ऐड कर रहे हैं ऐड करके आ रहा है उसमें नहीं लिखेंगे वन, वन उसके बगल वाले में लिखेंगे, वन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो वन आया इसमें, अब इसको ऐड कीजिए, सेवन और फोर अलेवन, अलेवन और फाइव सिक्सटीन, सिक्सटीन और वन, वन ऊपर वाला ऊपर में कितना था, 1 17, है ना, सेवन फोर अलेवन अलेवन और फाइव कितना हो गया, 11 5 16, 16 और 1 17, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसी तरह से आप लोग को क्या कर लेना है, इसे एक्सरसाइज को बना लेना है, ठीक है, बन जाएगा ना बच्चों। अब आप लोग को, आप लोग को मैथ में ये आप लोग अभी ए में तो हम तीन को डील कर ही चुके थे, बाकी तीन बच गया था, तो उसे और जो बचा हुआ है उसको, उन सभी को आप लोग को डील कर लेना है, ठीक है। आप लोग को होमवर्क में तो बस बी ही रहेगा बनाने के लिए, ये आप लोग बना लीजिएगा। चलिए ए को अभी हम लोग भर ही लेते हैं, आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए, तो जल्दी से निकाल लिए। चलिए ए वाले को हम भरते हैं, ए वाले में ऊपर से हो गया था, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए इसको। 4 4 8 1 4 5 और 8 और 0 8 और 8 7 15, चलिए इसको ऐड करेंगे अब हम लोग। 6 और 7 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 13। 13 का 3 बचा कितना, 1, है ना। 4 3 4 3 7, से यहाँ पर जो 1 लिखना होगा तो 7 7 और 1 8, फिर यहाँ 8 आया है तो अब 1 तो बच नहीं रहा है, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, 11, 11 का 1, 1 यहाँ लिख देंगे, कितना आ गया, 15 15 1 16, है ना। इसी तरह से आप लोग इसको क्या करेंगे, वर्ड लेंगे, फिर इसको देखिए 6 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 10, इनका 0 और 6 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 14। 14 का क्या हो जाएगा, 14 और ऊपर में 1 रहेगा ना, 15, ठीक है। 8 और 6 कितना हो जाएगा, चलिए इसे आप लोग पहले पूरा भरिए आप लोग, उसके बाद हम आप लोग को मिलवा देते हैं, जल्दी भरिए। बन गया बच्चों आप लोग का, बन ही क्या होगा। चलिए अब इसके बाद आप लोग इसे भी बना लीजिएगा और बी को अब हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क में बनाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बीच बीच में आप लोग को जब बोला गया बनाने के लिए वहां पे, तो
तो वीडियो को रोक लेना था, अब वीडियो को रोक कर फिर क्या करना था, उसको भरना था। आप लोग भर लिए होंगे। अब हम लोग बी बनाएं, इसका होमवर्क में देख लेते हैं आप लोग को होमवर्क में क्या रहेगा आज का होमवर्क में। तो होमवर्क में आप लोग का रहेगा मैथ में एक्सरसाइज 2B का बी जो है वो आप लोग को मेक करना है, मेक इन कॉपी में। और जैसे बचाए बताएं बच्चों 100,000 कर कर, वैसे ही आप लोग को मेक करना है। ठीक है बच्चों, आप लोग का आज का होमवर्क मेरा आ गया क्या, मैथ में एक्सरसाइज 2B का बी आप लोग को मेक इन कॉपी करना है, मेक और बुक में नहीं भरना है, डायरेक्ट नहीं बना के लाना है। ओके बच्चों, ढंग से बनाइएगा और साफ साफ लिखिएगा, और डिजिट को बिल्कुल सामने सामने लिखिएगा। जैसा आप लोग बुक में देख रहे थे लिखा हुआ, जैसे हम बोर्ड पे भी लिख रहे थे तो कैसा था, बिल्कुल सामने सामने था, उसी तरह से आप लोग कॉपी में लिखिएगा तो दूर दूर और सामने सामने लिखिएगा, सामने सामने लिखिएगा तो स्पष्ट पता चलेगा। ओके बच्चों।